और यहाँ पर ओला में आए हैं, ओला का हुआ गाइस यहाँ पर 218 रुपए मात्र। और मेरे पीछे गए जू भी फाइनली। यहाँ पर बहुत ही तेज पानी गिरने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ यहाँ से 360 व्यू का। सारण बच चुका है इसलिए क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने वाला है, तो सबको यहाँ से आउट कर दिए हैं। रस्सी के उस साइड जाने को बोला है। गाइस अब यहाँ से निकलते जू की ओर। अब देखता हूँ कैसा क्या है यहाँ से जू की लाइन। मेरे पीछे आप टैटू वाले को देख रहे हैं, यहाँ एक्टर लोग आ चुके हैं टैटू बनवाने। पीछे का सीन देखो आप। सो गाइस यहाँ पर कर रहे हैं हम वेट जस्ट ये सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बस स्टॉप है। यहाँ से आप 28 नंबर का बस पकड़ना है अगर आपको जुहू बीच जाना है तो। गाइस यहाँ पे हमने करा है ओला बुक क्योंकि बस लगा रहा है टाइम 28 नंबर है, पता नहीं कब आएगा, तो निकल चलते हैं फटाफट, अपने पास टाइम कम है। ट्रैफिक है क्या? सो गाइस यहाँ से 45 मिनट बता रहे हैं जुहू बीच, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, ट्रैफिक कैसा, आपको पूरा डिटेल दिखाते हुए चलता हूँ। लेट्स गो। गाइस आ चुके हैं जुहू बीच फाइनली। और यहाँ पर ओला में आए हैं, ओला का हुआ गाइस यहाँ पर 218 रुपए मात्र। आप बस का वेट मत करिए क्योंकि काफी भीड़ भड़कता रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। और मेरे पीछे गाइस जुहू बीच फाइनली। करते हैं तो लेट्स गो। कसम से गाइस मतलब क्या ही बताऊँ, पहले करते हैं घूमते हैं फिर आपसे बात करते हैं। सो हेलो हेलो हेलो, आई होप आप सबको जुहू बीच काफी पसंद आ रहा हो। और यहाँ पर पानी का प्रभाव काफी बढ़ गया है, बारिश भी काफी तेज हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मेरे को नोटिस किया है, कचरा बहुत है गाइस। यहाँ पे सफाई के नाम पे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, थोड़ा सा इनको सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी सब ठीक है, एंजॉय करिए बाकी के शॉट्स। In the sunshine state with dreams come with ease, palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in a soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy look. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace, lost in the moment. सारण बच चुका है इसलिए क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने वाला है, तो सबको यहाँ से आउट कर दिए हैं। रस्सी के उस साइड जाने को बोला है। और मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी मतलब हवा लगा है। अब देखते हैं आगे क्या करने वाला हूँ।
प्लानिंग करते फिर आपको बताता हूँ। छोड़ने दूंगा क्यू का भुट्टा 40 रुपए पर हेड। पानी आ गया बहुत तेज। गाइस अब आप बीच में तो ना खूब मजे कर लिए, खूब इंजॉय कर लिए। अब तुम्हारा पैर हो गया गंदा, मुंह हो गया गंदा, तो अब क्या करने का है, कहाँ धोने का है, क्या करें? ये अगर क्वेश्चन आपके अंदर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं पर जस्ट जू बीच के बगल में एक छेड़ी है, 10 रुपये ये लोग लेते पर है, टॉयलेट वॉयलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आगे सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, यहाँ आप आगे शावर ले सकते हो, कुछ पानी इस प्रकार का यहाँ पर चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। करके आप पूरा अपना यूज भी साफ कर सकते हो, कोई भी नहीं है, ओनली 10 रुपये में। ये जी अच्छी फीचर है, क्योंकि गंदा आप हो जाओगे यहाँ पर जू बीच अगर आप आ रहे हो तो। रेत ही रेत हो जाना है, तो पूरा रेत अपन निकाल लिए हैं, अब निकल चलते हैं आगे। वैसे और कहीं आप घूमने का प्लान है नहीं तो मैं अगर निकल जाऊँगा घर वापस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, काफ़ी सारे ब्लॉग आने वाले हैं, इसके बाद भी बहुत सारी ट्रिप लेने वाला हूँ गाइस, तो चले चलते हैं आगे, लेट्स गो। ये रहा मेनू, इसमें आप देख सकते हैं कि जुहू बीच के आसपास जो खाने के ठेले वगैरह लगे हुए हैं इनके रेट क्या है, अगर आपको जमता तो आप खा सकते हैं, बाकी आप सिटी में जाके खा सकते हैं। हमने ओला बुक कराया फिर से यहाँ जुहू बीच से वापस जाएंगे दादर स्टेशन। चलिए फिर निकलते हैं ओला से, 275 रुपये और आधा टाइम पड़ा था 218 रुपये। तो ये अब देखते हैं कैसे क्या, मौसम भी ख़राब हो रहा है, हवा चल रही काफ़ी तेज, तो सोचता हूँ जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो ट्रेन व्रेन बंद हो जाएगा पता लगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर गाड़ी में बैठ। तो आज हम आ चुके हैं अब दादर रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से निकल चलेंगे घर। तो आज यहाँ पर लोकल ट्रेन में भी एसी पाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी एसी वाले में बैठे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत है ये ट्रेन। बाकी पता नहीं यहाँ का टिकट चढ़ तो गए हैं, अब देख लेंगे जैसा भी होगा। लेट्स गो। वीडियो करते यहीं पर एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, काफ़ी सारे ब्लॉग आने वाले हैं, इसके बाद भी बहुत सारी ट्रिप लेने वाला हूँ गाइस, तो चलिए चलते हैं आगे, लेट्स गो।